आप अगर ये सीट जीतते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? अगर ये सीट जीते और जीतेंगे भाज और पहली प्राथमिकता जो रहेगी वो मेरे लिए पानी की रहेगी, और पानी के लिए माई माई और जवाई बांध के लिए पुनः भरण करके यहाँ पे जो सूची नदी है उसको। आपके सामने जो एक्स सीएम का बेटा दावेदार है, मजबूत प्रत्याशी, आपको उसको क्या मान रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता के नाते मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे और जालौर सिरोही शासन की जनता पे कि भले कोई भी हो सामने अपने यहाँ पे जीत भारतीय जनता पार्टी होगी नरेंद्र मोदी की। आपको लोगों का कैसा प्यार मिल रहा है? लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे आज नरेंद्र मोदी द्वारा जो देश के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं उसके लिए बहुत। जालौर के लोगों की क्या क्या समस्या आपके सामने आ रही है? जालौर के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी, और पानी के लिए मैं पूर्व में जब कोई मेरे पास दायित्व नहीं था फिर भी मैंने माई के लिए प्रयास किया था और अभी भी मैं प्रयास करता रहा। सरकार कम तरीका थी, दस साल आदरणीय नरेंद्र जी मोदी 10 साल जो का कर्ण थी कभी कौम की जो का की बात है आपने बस में बता दी। 2017 पहला देश ने का स्थिति आज का स्थिति और पौने वास्ते मैं जगह जगह आई है पौने बात सबसे ज्यादा पौने प्रॉब्लम बता दी है। पहला भी एचपी में सिरों में से बाकी जालौर में फरियाद है पौने बात सबसे मोटी भयंकर है वो पौने दिए पौने वास्ते एक तो जुबई पुन बनाने वास्ते आज बहुत साल थी पहला वन डेम में साबरमती नदी ने बाद उदयपुर के बांध बांधे पुन भरने वास्ते योजना बनाई थी बाकी ने बहुत साल कांग्रेस की सरकार ने ठंडा बस्ता बना के मगर बड़े पुनः बड़ी ओपे योजना ने मूलभूत थी ने बड़ी जवाई बांध ने भरवा पूरा पूरा प्रयास करिए बीजी जवाई बांध में अमार मोदी महसूस हुआ कि बीजा अच्छे में जन डेम में बाढ़ रही स्थिति आई कावेरी का जरिए बंदा और फूलों व्यवहार है माते आगे और फूलों झटके दिए बच्चे फाटक खोले और बने एक दिन वर्षा चालू में फाटक हाथी खुलवा दी आगे आवे ने कई जनों किसानों खेतों नुकसान हुआ इंटर नुकसान हुआ रोड में भी काफी नुकसान हुआ तो अभी बने मैं अपने पेड़ी मोहन भाई आती आती रही कि फाटक पहला पोस्टपोर्ट जरिए बंदो खाली रहे वन टाइम में भी एक आगे फाटक खोले फिर ताकि मैंने फाटक की पौनी हाली जाए धीरे 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 हाल है तो नदी जो रिचार्ज हुए ना वो पौनी धके जाए वगैरह नहीं करते धके जाए फालतू नहीं जाते वो पौनी नदी में रिचार्ज हुई तो रिचार्ज हुए थी जमीन लेवल धीरे धीरे बढ़ी तो आई बात तो अभी मोम में रख मैं रखा रही हूँ मेरा दिमाग में आई कि भाई आवाज वे नहीं जो ताकि धके वो पौनी एक हाथी को छोड़वा जो पौनी पाजू बेन में जाए नुकसान हुए और बीजू जो माई